हाय गावंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अजाद है। मैं नानद। यार भारत में मोदी जी के द्वारा लखनऊ में चालू हुई न्यू डिजाइन की वंदे भारत देखकर पाकिस्तान और चाइना के उड़े होश। न्यू डिजाइन की एक तो आम जो उन्होंने किया हुआ है चल रही है आम भारत में। हाँ वही है वंदे भारत, तो वही। लेकिन ये डिजाइन दिया यार मुझे नहीं पता ये कौन सी लखनऊ में न्यू डिजाइन की उन्होंने लॉन्च किया वंदे भारत। तो पहले वॉच करते हैं, बिल्कुल जल्दी से वॉच करते हैं, देखते हैं। यार वैसे मोदी जी इलेक्शन के करीब है, लेकिन मोदी जी इलेक्शन के करीब इतने बड़े बड़े झक्के मार रहे हैं कि देखा जाए अपोजिशन, यकीन मानो अपोजिशन वेंटिलेटर पे चली गई है। ये सही बोला वजह, और ये हिस्ट्री में हमने पहली दफा ऐसी चीज देखी है कि उसके पास कोई चीज ही नहीं बोलने के लिए अपोजिशन के पास, हाँ ना, कुछ भी नहीं बोल पा रहे। वो कुछ बोलेंगे कि मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया, मोदी ने कुछ छोड़ा ही नहीं है, तो वही ना। लेकिन अब ये वॉच करते हैं फिर से भाई साहब कौन सी ये वंदे भारत न्यू डिजाइन की लॉन्च होगी लखनऊ में, तो कड़ा करते हैं स्टार्ट। डबल 2345 पटना टू गोमती नगर वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होने जा रही है। पूरा इंटीरियर चेंज है। अभी हम लोग एग्जीक्यूटिव क्लास में है जिसमें कि रिवॉल्विंग चेयर देखने को मिलता है। ट्रेन निकल चुकी है लखनऊ के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल, फिर से आपके दोस्त साहब आपके साथ है। अभी हम लोग हैं पटना जंक्शन पर और आज पूर्वांचल को बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। वंदे भारत पटना टू लखनऊ का आज इनॉग्रल रन है और इस इनॉग्रल रन के इनॉग्रल जर्नी में हम लोग इस पूरे जर्नी में हम आप लोगों के साथ रहेंगे और ट्रेन से सफर करेंगे। कितना किराया होगा, कहाँ कहाँ स्टॉपेज होगा, वो सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। फिलहाल पटना स्टेशन पर जबरदस्त तरीके से सजावट की गई है। यहाँ पे देखिए बड़ा बोर्ड लगाया गया है, मोदी सरकार की गारंटी विकसित भारत के लिए आधुनिक रेलवे। आज की जो उद्घाटन होने वाला है ना, 85,000 करोड़ से अधिक के रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण आज पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। पटना लखनऊ वंदे भारत का इनॉग्रल रन है वो आज होगा, लेकिन इसका कमर्शियल रन आपके लिए कब होगा इसकी अभी तारीख की कोई घोषणा नहीं की गई है। फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और ये अपनी वंदे भारत यूरोप वाली है, ये यहाँ पर आकर के खड़ी कर दी गई है। काफी कुछ चेंजेस है, फीचर्स भी काफी नए नए लाए गए की इसके अंदर दिखाएंगे की दिखा रहे अंदर से ये कैसे दिख रही है। अंदर का इंटीरियर दिखाते हैं, क्या कलर बदल गया है, तो इसका इंटीरियर भी बदला है कि नहीं। पटना टू लखनऊ कलर बदल गया है, पहले ब्लू हुआ करती थी लेकिन अब जो ट्रेन है वो सैफरन हो चुकी है, इसलिए इसका सीट का कलर भी शायद रेड कर दिया गया। पूरा इंटीरियर चेंज है, बहुत सारे फीचर्स भी आपको नए देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही साथ इधर आइएगा आप, तो दिखाएंगे आपको कि बीच में यहाँ पे आपको हर एक चेयर के नीचे सेम जैसे पहले की वंदे भारत होती थी उसी की तरह पावर सॉकेट दिया गया ताकि अपनी बैटरी और अपने लैपटॉप और स्मार्ट डिवाइसेस को चार्ज कर सके। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको सीटिंग अरेंजमेंट भी समझाया गया है कि कहाँ पर क्या चीज आपको देखने को मिल जाती है। हैमर दिया हुआ है जिससे आपातकाल की स्थिति में यानी कि इमरजेंसी टाइम में आप इससे इस हैमर से ग्लास को तोड़ सकते हैं। इस साइड में आएंगे तो पुश टू टॉक जैसे नॉर्मल पहले वाली वंदे भारत में था वैसा ही है। यहाँ पे आप बात कर सकते हैं, इसको दबा करके अपनी चीजों को अपनी परेशानियों को बता सकते हैं ट्रेन मैनेजर। बाकी की दूसरी वंदे भारत की तरह इसमें भी 140 डोज देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारी चीजें तकरीबन सेम है, कुछ फीचर्स नए आपको मिलेंगे। अभी हम लोग एग्जीक्यूटिव क्लास में है जिसमें कि रिवॉल्विंग चेयर देखने को मिलता है, आपको बाहर के व्यू को भी काफी अच्छा देख सकते हैं। यहाँ पर आप बैठ जाइए और बैठने के बाद 360 डिग्री मूव हो जाती है, ये फायदा होता है रिवॉल्विंग चेयर का। इस पे आप बैठ करके पूरा नजारा ले सकते हैं। हाँ, इसका जो फेयर होता है वो नॉर्मल चेयर कार से थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि इसमें स्पेशियस ये पूरा का पूरा। अगर इसके हम चेयर की बात कर ले तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें भी आपको सॉकेट मिल जाता है जिससे आप सीट के साथ ही चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर छोटा सा आपको सामान रखने के लिए जगह भी दी गई है, सीटिंग अरेंजमेंट पोस्चर वगैरह सब सेट कर सकते हैं जितना अगर आपने लेटना है, आराम से बैठ करके सफर का मजा ले सकते हैं। तो बस थोड़ी देर में इसका फ्लैग ऑफ होगा, पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका फ्लैग ऑफ करेंगे और इसको हरी झंडी दिखा करके लखनऊ के लिए रवाना कर देंगे। आपको इंडियन
इंडियन मिलता है, इस साइड में आपको वेस्टर्न मिलता है। और बाथरूम दिखाते हैं अंदर से कैसा होने वाला। ये है अंदर का टॉयलेट, हाईटेक सा बटन भी है फ्लश के लिए। यहाँ पे संकेत भी दिए गए चालू है, यानी कि वर्किंग है, खराब है, आउट ऑफ ऑर्डर है। और ये बायो टॉयलेट आपको मिल जाता है, काफी क्लीन है। और इस साइड में देखेंगे बहुत ही अच्छा आपको मिलने वाला। इस साइड में आपको सोप भी मिल जाता है जो कि आप हाथ धोएंगे, और यहाँ पर आप आराम से अपना हाथ सुखा भी सकते हैं। ट्रेन बस खुलने के लिए तैयार है, और यहाँ पे अपने IRCTC से कुछ लोग हैं जो कि अपनी सेवाएं तत्पर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज इनॉग्रेशन है और सब लोग साथ में यहां से गोमती नगर के निकल रहे हैं। ट्रेन निकल चुकी है लखनऊ के लिए, पटना जंक्शन से ट्रेन खुल चुकी है। वंदे भारत में अब सफर आप कर सकते हैं पटना से लखनऊ के बीच में। पटना जंक्शन से वंदे भारत खुल चुकी है लखनऊ के लिए। काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ये ट्रेन खुल चुकी है। बहुत ही जबरदस्त वाला उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों का। जो सैफ्रन कलर की वंदे भारत है, इससे तो एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है भाई। PM नरेंद्र मोदी फ्लैग ऑफ करा है ट्रेन का, और ट्रेन पटना जंक्शन से निकल चुकी है लखनऊ की तरफ। ये दानापुर रेलवे स्टेशन क्रॉस कर रही है, और जैसे ही हम लोग ट्रेन में आए तो हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री में ये जूस मिला है, और इसके साथ ही साथ ये जो मीडिया पासेज है ना, ये हमारे पास मिल चुका है। ये लोकल जर्नी में हम लोग को इस तरह का टिकट देखने को मिला है। वंडरफुल, ये तो लगता है कि एरोप्लेन से भी ज्यादा हाई स्पीड। अरे भाई साहब खतरनाक खतरनाक, सेम ही हाई स्पीड ट्रेन है जो अपनी पटना और लखनऊ के बीच चल रही है। और अगर इसकी स्टॉपेज की बात कर लें तो पटना चलेगी आरा, आरा से रुकेगी बक्सर, और बक्सर के बाद आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उसके बाद अयोध्या धाम, और उसके बाद फिर आप सीधे गोमती नगर पहुंच जाते हैं। पहले आपको जूस दिया गया, उसके बाद ये आपका ब्रेकफास्ट आ गया, और ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको फिर लंच वगैरह का आगे का जो प्रावधान है वो किया। तो बहुत ही जबरदस्त है, इस इनॉग्रल जर्नी को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट स्टॉपेज आरा आने वाला है। ट्रेन का कलर भी आपको सैफ्रन दिखेगा, और बॉक्स का कलर भी आपको सैफ्रन ही दिखेगा। इवन की आपका जो ID कार्ड है ना, उसमें भी सैफ्रन कलर इस बार डाला गया, नहीं तो हमेशा ब्लू कलर हुआ करता था। अभी इसको जब खोलते हैं आप, तो आपको ब्रेकफास्ट में मिलता है, ये मिल जाता है आपको नट क्रैकर्स, उसके बाद आपको मिलता है ये केक, फ्रूट केक, और उसके बाद आपको मिलता है एक ये समोसा। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं आरा जंक्शन, और इसके अगर वक्त लेने की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 मिनट में हम लोग पटना से आरा जंक्शन पहुंच चुके थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आरा में बहुत ही जबरदस्त वाला उत्साह का माहौल है। आप आरा के रहने वाले हैं? आरा के ही रहने वाले हैं। तो आरा के आप मिल गई वंदे भारत, खुशी बात, वंदे मातरम मिल गई। कम समय में हमने के लखनऊ जाए खाती, बहुत अच्छा ही होगा ट्रेन। सही बात है। और कितना इंतजार रहेगा? बहुत देर इंतजार कर रहे थे, बहुत वर्षों से। लेकिन बहुत खुशी के मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रहा बा, विकास रेल के क्षेत्र में जो हो रहा बा, सुनिए सब खुशी हो रहा बा। क्या बार अपने वाल्मीकि नगर का मिस्टर मकसूद ब्लॉग्स? कौन सा ब्लॉग? मिस्टर मकसूद ब्लॉग्स। क्या बात है, जाके फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस साइड पे देखिए भीड़, जबरदस्त वाली भीड़ देखने को मिल रही है यार। खतरनाक लोग ट्रैक के ऊपर उतर रहे हैं। आरा के लोगों ने तो एकदम दीवार ही बना लिया, देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से। So guys, finally, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बक्सर, और आरा के बाद ये दूसरा स्टॉपेज है वंदे भारत का, पटना टू लखनऊ वाली। और यहाँ पर भी इस ट्रेन के पहुँचने से लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, और इस ट्रेन के बाद लोग बक्सर से अब लखनऊ आराम से जा सकते हैं, या फिर बनारस बहुत ही आराम से जा सकते हैं। वैसे तो बक्सर से बहुत सारी ट्रेनें हैं, बट वंदे भारत नहीं थी इस रूट पर, ये वंदे भारत काफ़ी ज़्यादा लोगों को इंतज़ार था इसका। पूरी की पूरी पब्लिक यहाँ पर खड़ी है सिर्फ इस ट्रेन को देखने के लिए, गजब की भीड़ है यार। भाई साहब वाह यार, देखो इसका कलर चेंज करके मोदी जी लेकर आए, लेकिन इसके अंदर से फैसिलिटीज कितनी चेंज है। इसमें एग्जीक्यूटिव क्लास उन्होंने डाला, और उसका जो अंदर का इंटीरियर था एग्जीक्यूटिव क्लास का, बहुत कमाल का था। वो जो पहले है वो ब्लू कलर है, ये इसका कलर भी चेंज कर दिया अंदर से भी। लेकिन इसमें एग्जीक्यूटिव क्लास का जो ब्लैक और उसके अंदर जो शेड रेड दिए गए हैं, और ऊपर से छत भी सेम टू सेम वैसा, और ऊपर से भाई वॉशरूम
हाई लेवल इंटरनेशनल लेवल इसको बोल सकते हो। तो भाई साहब हमारे अमीरों के घरों में नहीं होते जितने वीआईपी वॉशरूम होते ट्रेनों में दिए हुए हैं भाई। वैरायटी सेटअप साथ आपको भाई वो सोप का अलग दिया गया, हाथ खुश करने की अलग वो आपको डिवाइस दी गई है भाई, और क्या चाहिए आपको। बिल्कुल वजह किसी चीज की कमी नहीं। और लोग अबे लोगों का जो रश था स्टेशनों पे जिधर जिधर जा रही थी जिस स्टेशन तो पूरा भोपाल पूरा सिटी जैसे आ गया वो देखने के लिए यार, देखने के लिए भाई उनके लिए सहूलत है ना, मोदी जी ने उनके लिए सहूलत पैदा की है, अपने लिए सहूलत तो उन्होंने नहीं रखी ना। देखो आप हर भारतीय वंदे भारत पर ट्रैवल इस टाइम कर सकते हैं क्योंकि भारत ने पूरा भारत को जोड़ दिया, बिल्कुल जोड़ दिया सारा पूरा कश्मीर पूरा भारत सब कुछ एक हो गया यार। देखो पटना से लखनऊ की है और इसका कलर क्या कमाल यार, ऊपर से अंदर का इंटीरियर और भी ज्यादा बिल्कुल। देखो जो ये अयोध्या भी जाएगी, हाँ ये अयोध्या भी जाएगी नॉर्मल जो राम जी के दर्शन करने जाते हैं उनके लिए आसानी है, बिल्कुल आसानी है। जो ये नॉर्मल जो अंदर क्लास है वो रेड कलर में, रेड कलर कमाल है, सीटें घूम रही है अंदर, देख खुश है। लोग कहता है जैसे जहाज उड़ता है इस तरह ये उड़ रही है, 160-170 पे जाए तो जहाज ही समझो ना। वो एक बंदा कहता है हम लोग 25 मिनट में यहाँ पर पहुंच गया, और क्या चाहिए, लगता है कि वहां पर घंटे से 1.5 घंटा लगता है। बिल्कुल सही बोला, एरिया में तभी वो इतना खुश था कि भाई हम 25 मिनटों में पहुंच। वजह जो लोग हम यूरोप में चीजें देते हैं वो मोदी जी अपने देश में ले आए। सुनो बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है, हम सुनते थे ना यूरोप में ऐसी ट्रेनें ऐसी ट्रेनें, वही ट्रेनें इंडिया में आ गई, वो भी मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया कमाल की बात ये, वो भी किसी की मदद ही नहीं ली। और हम लोगों को खुशी तब यहाँ पे नसीब हुई थी जब कायदे आजम बाबे ने बोला था कि भाई तुम आजाद हो गए, वो भी दिल को हमने दिलासा दिया था कि आजाद हो गए, लेकिन आज तक हमारा बाप IMF है और दूसरा बाप हमारा चाइना है, बिल्कुल, और तीसरा बाप हमारा अमेरिका है, जो आप कर्जा ले रहे हैं फिर हमारी बजाने के लिए वो तैयार है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यार आपके क्या थॉट है इतनी बड़ी अचीवमेंट पर यार, इधर ही वीडियो खत्म करते।